माय चैनल व्हाट यू वांट। जैसा कि गाइस आपको पता है कि इस बार की नवरात्रि खत्म हो चुकी है, बट एज पर आवर वीडियोस टाइटल टाइप्स ऑफ पीपल इन नवरात्रि। जैसा कि गाइस इस बार की नवरात्रि हमने घर पे ही सेलिब्रेट की, उसी तरह घर पे ही बैठ के हम लोग उस टाइप के लोगों को भी देखते हैं। आई गारंटेड गाइस, ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको हर नवरात्रि, हर जगह, हर फेस्टिवल, हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं। बट गाइस इनको दिखाई देते हैं। सो टू रिफ्रेश योर मूड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइस, पहले मैं मिलाऊंगी हमारे सोसाइटी के कैमरे से, जिसके पास होती है पल्स पल की खबरें। सो वेलकम पंचायती मीना एंड शीमा आंटी। हाय, कैसी है? अच्छी हूँ। वैसे कुछ गर्मा गर्म खबरें तो सुना। चल बताती हूँ। वो शर्मा का बेटा और डॉली भाग गए। वो डॉली कौन सी? एफ ब्लॉक वाली? हाँ। क्या बात कर रही है? वैसे वो तो थी ही ऐसी। वैसे तुझे कैसे पता चला? वो तो मैं सब्जी लेने गई थी तो मैंने सिक्योरिटी से पूछा आजकल कुछ गर्मा गर्म खबरें नहीं आ रही। फिर और उसने बात बात में बोल दिया। और वैसे भी तुझे पता है इसके पेट में से बात मुझे अच्छे से आता है। हाँ, वो तो तेरी आदत है। अरे वो देख, पीला दुपट्टे वाली। हाँ, कोकिला। हाँ, लास्ट टाइम भी कोकिला ही जीती थी और तेरी बेटी हार गई थी। वैसे मेरी बेटी हार ही नहीं थी, वो तो लास्ट ईयर कोकिला का हस्बैंड स्पॉन्सर में था ना, इसलिए वो जीती थी। इस बार देखना मेरी ही बेटी जीतेगी, क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ फिक्स करके रखा है। देखते हैं। वैसे वो देख, बैकलेस आ रही है। हाँ, लास्ट टाइम भी बैकलेस पहन कर थी नवरात्रि में, 10 दिन से इसकी बातें हुई थी। वैसे भाई गॉड, ऐसे लोग अगर सोसाइटी में रहेंगे ना तो पता नहीं क्या होगा सोसाइटी का। अरे शो ऑफ आ रही है। अरे यार, इससे पहले हमको इधर से जाना पड़ेगा, नहीं तो आके फिर चालू हो जाएगी। मेरा 2.5 लाख का घाघरा, मेरा 2.5 लाख का सेट, कभी ये ना बोल दे मेरे सोने के बाल। वैसे हमने तो इसका नाम प्राइस टैग रखा है। चल चल अपन गरबा करते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको पंचायती मीना एंड शीमा आंटी? सो अब हम मिलेंगे हमारे सोसाइटी के। एक कंप्लेंट कर दूंगा हमारे सोसाइटी के। अरे मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। मुझे क्या लगता है, बचपन में ये अपने स्कूल के मॉनिटर रहे होंगे, पूरा दिन कंप्लेन। तो अब हम मिलेंगे हमारे सोसाइटी के कंप्लेन बॉक्स नागर जी से। दो प्लेट पोहा दीजिए। एक प्लेट पोहा देना। आ गई कचरे वाली। कुछ बोला? अरे नहीं नहीं, कैसे हो कचरे वाले? अरे भक्ति बहन मजामा, तुमने जॉइन है सजामा। वैसे भक्ति बहन, मेरे को ना आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जल्दी बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, गरबा खेलने जाना है। अरे भक्ति बहन, मैं आपको बता दूं, ये जो रोज रोज आता कचरे का, ये रोज रोज है ना भक्ति बहन आपका जो कचरे का नाटक है ना भक्ति बहन, वो बंद कर दीजिए। फिर रोज रोज आप जो कचरा फैला के रखते हो ना, मेरे ऑफिस के जाने के टाइम पे मेरे को दिक्कत होती है। कचरे वाले भूमि पर कल से अपना डस्टबिन ना अंदर रखना, नहीं तो मैं सोसाइटी ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। क्या पानी पूरे दिन कचरा ये ना करो वो ना करो, कचरा यहाँ ना करो, पार्किंग स्पॉट में गाड़ी ना रखो, जूते अंदर रखो, पूरे दिन कचरा चालो कंप्लेंट बॉक्स। वैसे बहुत हो गया कंप्लेंट चालो, बस बस आपको ये सारी कचरा चालू करनी चाहिए। हम लोग सोसाइटी में सोसाइटी को तंत्र बगड़ी चाहिए। अरे सारे गोलियां तेरे को दिखता नहीं है, मैं इधर खड़ा है। सॉरी कंप्लेन अंकल। सॉरी क्या सॉरी, चलो मैं ये कंप्लेन करता हूँ। ये भागना कंप्लेन है कंप्लेन। ये तो आज तो सारा दिन ही खराब है। और अब ये गोलियां कैसे लगे हमारे कंप्लेंट अंकल? अब जो अंकल आने वाले हैं ना क्लास में, भले वो आउट रहे होंगे पर जिंदगी की क्लास में वो आउटस्टैंडिंग है। भले कुछ जीरो का स्पेलिंग नहीं आता होगा पर एक एक जीरो का वसूली करना अच्छे से आता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे हमारी सोसाइटी के वसूली अंकल शर्मा जी से। कैसे हो शर्मा जी?
घड़े खम्मो साहब घड़े खम्मो आ तो बहुत जज रहे हो लगता है फर्स्ट प्राइज आप ही ले जाओगे अपन इधर कोई प्राइज जीतने के गरबो खेलने थोड़ी आओ अपन तो इधर वसूली करने आयो ये जो सोसाइटी वालों है नो 2000 रुपया लेके गयो तो और देता क्या ये पानी वाली दाल मैंने तो राजस्थान से अपने पूरे घर नो बोला वो और बोलो कि पूरे घर ने पेट भर के 200 दिन नीचे ही खाने को मेरा नाम वसूली भाई है वसूली भाई एक एक रुपये नो हिसाब रख दो इसलिए मैं सोचू वसूली भाई सुधर कैसे गए कुछ नहीं होगा चलता हूँ वसूली तो कर दी अब हम बनाते हैं 500 का पार्सला आगरा का चिड़िया मिलते हैं हमारी सरस्वती की आन बान शान जो आंटी काना जी हाय शीमा हाय वैसे ये तुमने लास्ट ईयर वाला ही घाघरा पहना है ना हाँ वैसे मैं तुझे बता रही थी कि इस बार है ना मैंने नया घाघरा सिलवाया है एंड इट्स अ प्योर डिजाइनर पीस तुझे पता है ये दीपिका ने अपने एक मूवी में पहना था एंड इट्स कॉस्ट इज 75,000 रुपीज ओ भाई मारो मुझे मारो मारो ये तो मैंने करीब चांदनी चौक में 1,000 रुपए का देखा था वैसे शीमा मैं तुझे बोलने ही वाली थी कि जो इयररिंग्स है ना यू कैन सी ये जो इयररिंग्स है ना इस बार एनिवर्सरी मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट की और इट्स 1.25 लाख रुपीज रियली ये तो कल ही मैंने सिंधी मार्केट में 500 रुपए का देखा था नहीं नहीं 500 रुपए का कैसे हो सकता है 500 रुपए का तो मैं रबर बैंड ना डालूं और इयर रिंग्स चीप 500 को 5 लाख रुपए मीना सही कहती थी 1.5 लाख का घाघरा 1.5 लाख का नेकलेस ओ हाय आहूजा हाय वैसे ना मैं तुझे पूछने नहीं वाली थी आप लोग गोवा घूमने गए थे हाँ मैंने देखा स्टेटस पे वैसे ये बोलना नहीं चाहिए आहूजा बट इस बार ना हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर आगरा 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 तो पहले हम वीकेंड्स में जाया करते थे अब तो वीकेंड्स में भी हम लोग चाइना नेपाल या श्रीलंका जाते हैं वीकेंड्स में तो चाइना नेपाल और सिंगापुर किसको मैं तुझे पूछ रही थी हम लोग इस दिवाली है ना सिंगापुर जाने का सोच रहे हैं हाँ बेटा सिंगापुर लास्ट ईयर तो हम लोग मौसी के घर गए थे और इस बार मामा के ओके आहूजा आई मीट यू लेटर किसका बकरा बना रही है कैसी लगी हमारी शो ऑफ आंटी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कमेंट सेक्शन में भी जरूर मेंशन करना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हाट यू वांट और वो बेल आइकन को भी जरूर बजाना थैंक यू गाइस तब तक लेते करें बाय बाय लगी हमारी शो ऑफ आंटी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू बोलना प्लीज